होटलों में बैठकर कुरान के बजाय अखबार याद करने वालों, इस इलाके में रहकर नमाज़े पंजगाना अदा करने वालों, नबी से मोहब्बत रखने वालों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने मोहब्बतों के साथ सलाम किया। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर अपने घर में जाया करो तो सलाम क्या करो। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई ना हो, दरवाजा मैं खुद खोलूं तो किसे सलाम करूं? नबी पाक का जुमला है, मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे मोमिन के घर में कोई नहीं रहता, उस घर में मैं रहा करता हूँ। घर के बारे में ये कहा गया है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि आपस में सलाम क्या करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती है। तो मैंने मोहब्बतों के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। पता चल गया कि यहाँ दोबारा सलाम करने से जवाब ठीक ठाक मिलता है कि नहीं? सिराते मोहतरम, मोहब्बतों के साथ नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफी हो चुका है। ऐलान के मुताबिक उलमा व शोरा की फहरिस्त लंबी है। मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम प्यास किया जाए, वक्त को बर्बाद किया जाए। आपकी खूबसूरत समातों में जो उलमा व शोरा की बातें पहुंचेगी, उन बातों को पहुंचने से मैं रोकने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि एक से एक अच्छी आवाज के मालिक उलमा व शोरा तशरीफ रखते हैं। अगर मैं उन हजरात का नाम गिनाने में लगूं तो आधा घंटा इसी निकल जाएगा, क्योंकि उलमा व शोरा की फहरिस्त लंबी है। आज की इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस अजमते वालिदैन में एक नहीं बल्कि तीन तीन चैनल वाले तशरीफ ला चुके हैं। इधर हमारे बाएं जानिब अगर शमीम भारती हैं तो दाहिने जानिब प्योर अजहरी नाथ हैं, और सीधे देखिए पीछे समीर ओपसियल हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैद करके वो सबको रख रहे हैं पीछे से। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तीनों चैनल वाले को सलामत रखे, तमाम मुसलमान भाइयों को सलामत रखे, तमाम मुसलमानों को तरक्कियां अता फरमाए। आमीन कहिए जी। ऐसे में दुआ दे रहा हूँ, आजकल बड़ी जल्दी कबूल हो रही 2020 में, पता नहीं कबूल हो जाए। आमीन कहने में क्या दिक्कत है? और हर हकीकत यह है कि जब भी कोई बंदा मोमिन या कोई भी आपके हक में अगर दुआया कलमात निकाले तो फौरन आमीन कहना चाहिए। ना जाने कब किसकी जुबान से निकली हुई बात अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल कर ले, किसी को पता नहीं है। क्योंकि इंसान जितनी दुआएं करता है सब दुआ कबूल नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसलिए कभी कभी दुआ कबूल हुआ करती है। तो आमीन कहने में घबराना नहीं चाहिए, आमीन शौक से बोलना चाहिए। हजरत मोहतरम, उलमा व शोरा की फहरिस्त लंबी है, मैं वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, वरना अगर मैं टाइम पास करने में लग जाऊं तो शफीक कलकत्ती साहब का हुक्म होने लगेगा कि बैठ जाइए, उलमा व शोरा की फहरिस्त लंबी है। मैं यहाँ से चार मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, एक मरतबा मोहब्बतों के साथ नबी की बारगाह में हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह उलमा कराम की नूरानी काफिला मौजूद है, इन उलमा कराम की चेहरे की ज़ियारत करें, अपने नामा अमाल में नेकियों का अंबार लगाएं, नेकियों को बढ़ाएं, बरोज़े महशर में ये नेकियां काम आते हुए नजर आएगी, और इसी नेकी के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत देता हुआ नजर आएगा। मेरे दोस्तों, मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ, वो शेर बहुत अच्छा है। मैं काश पत्थर से जुड़ा मैं कोई जर्रा होता, काश पत्थर से जुड़ा मैं कोई जर्रा होता, ये हमारे दिल की आवाज है, अगर आपके दिल की आवाज होगी तो मचलकर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। काश पत्थर से मैं जुड़ा कोई जर्रा होता, मेरे लब्बे मेरे यार का तड़वा होता। काश पत्थर से जुड़ा मैं कोई जर्रा होता, मेरे लब्बे मेरे यार का तड़वा होता, और लोग आते मेरी किस्मत की जियारत करने, मेरे माथे पे मेरे आका का नक्शा होता, मेरे माथे पे मेरे मुस्तफा के पांव का नक्शा होता, मेरे माथे पे मेरे मुस्तफा के पांव का नक्शा होता। हजरत मोहतरम, थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल बनाए, हाथों को फिजा में लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह,
एक जलसे में मैंने कहा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो जवान हो जाइएगा। एक बूढ़ा फौरन लाठी ले खड़ा हो गया, खबरदार ऐसा मत कीजिएगा वरना मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। हजरत मोहतरम ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथों और हदीस पाक के मुताबिक कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, न कोई बूढ़ी जन्नत जाएगी, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, ना कोई बूढ़ी जन्नत जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में भेजने से पहले सबको जवान कर देगा। मेरे दोस्तों, ज़रात मोहतरम हाथों को फिजा में लहरा और बोले या रसूल अल्लाह। शमीम भाई ये चार मिसरा सुन ले, चैनल वाले यार शेर को कैद कर ले और शेर बहुत अच्छा है, उलमा की फहरिस्त तक पहुंचाने की कोशिश करें। मिंबरे पाक पर उलमाए किराम मौजूद हैं, इनकी कदम बोसी करते हुए चार मिसरा आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज तक। शेर अगर अच्छा ना हो तो आपको हक है मेरा हाथ पकड़ कर नीचे कर दीजिएगा, अगर शेर बहुत अच्छा हो तो मचल कर सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। काबे पे काबे में कंधों पे अली को बिठाया क्यों था, काबे में कंधे पे अली को बिठाया क्यों था, काबे में कंधे पे अली को बिठाया क्यों था, काबे में कंधे पे अली को बिठाया क्यों था, बोलो या रसूल अल्लाह, काबे में कंधे पे अली को बिठाया क्यों था, अपना बाजू पकड़कर अपने बिस्तर पे सुलाया क्यों था, काबे में कंधे पे अली को बिठाया क्यों था, बाजू पकड़कर अपने बिस्तर पे सुलाया क्यों था, अगर जायज नहीं है या अली कहना पूछो नबी से। खैबर में अली को या अली कहकर बुलाया, खैबर में अली को या अली कहकर बुलाया क्यों था, जगर जायज नहीं है या अली कहना पूछो नबी से, खैबर में अली को या अली कहकर बुलाया क्यों था।